जनपद की जिला योजना समिति की बैठक प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला योजना वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित परिव्यय बजट 64,876 लाख रुपए को अनुमोदित किया गया, जो पिछले वर्ष के बजट के करीब ही रहा। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित परिव्यय में पशुपालन को 425.26 लाख, दुग्ध विकास को 849.62 लाख, सहकारिता को 1,028.42 लाख, वन विभाग को 1,221.38 लाख, ग्राम्य विकास को 4,669.92 लाख, रोजगार कार्यक्रम को 16,800, पंचायती राज को 2,752.40 लाख, लघु सिंचाई 1,571, राजकीय लघु सिंचाई को 6,39.53 लाख, सड़क एवं पुल को 12,426.67 लाख, पर्यटन को 470, प्राथमिक शिक्षा को 3,480.55 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 1,548.43 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को 686.14 लाख, यूनानी चिकित्सा को 545.32 लाख, परिवार कल्याण को 192.54 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पंचायती राज को 1,322.51 लाख, आवास योजना ग्रामीण को 6,000, अनुसूचित जाति कल्याण को 550, पिछड़ी जाति कल्याण को 1,562.5, समाज कल्याण जाति को 994.20 लाख, समाज कल्याण को 1,850, दिव्यांग जन सशक्तिकरण को 250 तथा महिला कल्याण 1,764 लाख रुपए अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास हम सबका दायित्व है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जिन प्रतिनिधि जिले के विकास के लिए तत्पर हैं, उन्होंने कहा कि विकास हेतु सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि दिए गए निर्देशों सुझावों को 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कार्यों की विभागवार जानकारी देते हुए वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित जिला योजना को अनुमोदनार्थ रखा। उन्होंने कहा कि जहां जो कमियां होंगी उसे तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, संत प्रसाद, संगीता यादव, विपिन सिंह, विधायक कैंपियरगंज, प्रतिनिधि गणेश दत्त त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स के इसके तहत सर हम तिलहनी फसलों को आच्छादन और प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वहाँ वित्तीय वर्ष में सर 24 लाख का हमारा परिवह स्वीकृत था, अगले 2-3 दिन में शासन से क्लियर हो गया है, वो भी मिल जाएगा और 11,72,000 अभी तक हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सर हम तिलहनी फसलों में के प्रमाणित बीजों पर अनुदान देते हैं और मधुमक्खी भी प्रोडेमोस्ट्रेशन होता है। आगामी वर्षों में सर इस और अब हम इस पर 90% तक का प्रमाणित बीज पर अनुदान देने जा रहे हैं। इसे अनुदान के लिए प्रस्तुत किया गया है, वो 34 लाख का किया गया है। ठीक है, जिला योजना की बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ जो पूरा हुआ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम पूरा हुआ है। पिछले जिला योजना की बैठक में जिले की मांग थी 6,48,00,000,000, इस बार भी 6,48,00,000,000 मांगा गया है, लेकिन वर्ष 2020-21 में मार्च तक का अनुमानित व्यय 6,04,00,000 खर्च हुआ है। आगे जैसा जैसा खर्च होता चला जाएगा वैसे वैसे मांग पूरी करते चले जाएंगे, योजना की व्यवस्था ठीक होती जाएगी। माननीय योगी जी की सरकार जिले के हर कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरे तन मन धन से वो अग्रसित रहते हैं और जिला योजना की बैठक में जिला को चलाने के लिए जिस प्रकार से अनुमानित व्यय की धनराशि की मांग होती है वो पूरा होगा और हमारी सरकार को ठीक करेगी।